Hey guys, welcome on Get Government Jobs YouTube channel. This is Prabhat Kumar speaking और आज हम बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है. यह डेटा स्टोर करने के लिए एक माध्यम है. आकार में काफ़ी छोटा होने के कारण इसे आप अपनी जेब में रखकर भी घूम सकते हैं और इसका जो अधिकतम या एक नॉर्मल साइज होता है वो 3 से 3.5 इंच का होता है. लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि इसमें काफ़ी कम डाटा स्टोर होता है. वैसे मैं आपको बता दूं कि स्टोरेज कंप्यूटर के क्षेत्र में दो तरह की होती हैं, डिस्क और दूसरी होती है फ्लॉपी डिस्क. हार्ड डिस्क कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कह सकते हैं होती है या स्थायी स्टोरेज होता है जो कंप्यूटर के अंदर ही फिट होता है और जो भी फाइल या डाटा हम स्टोर करते हैं वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता चला जाता है. लेकिन समस्या तब आती है जब हमको किसी डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ले जाना होता है. ऐसे में फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है और जो डाटा हमको दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है वो फ्लॉपी डिस्क में हम स्टोर करते हैं. बाद में फिर दूसरे कंप्यूटर में इसी फ्लॉपी डिस्क को लगाकर उस डाटा को उस कंप्यूटर में हम एक्सेस कर पाते हैं. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी पेन ड्राइव. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.